धरने जैसी लोकतांत्रिक शक्तियों का उपयोग करते हुए क्या आपने सुना है? नहीं तो हम लेकर चलते हैं आपको मालाड पूर्व के जानू भोए कंपाउंड के पास, जहां गुमराह जनता धरने पर बैठी है। उनका आरोप है बिल्डर ने उनके साथ धोखा किया है, लेकिन हमारी टीम ने ठीक उसके उलट पाया। बहुमंजिला इमारत एसआरए की बनकर तैयार है और हजारों की संख्या में सुखी परिवार अपना जीवन यापन कर रहे हैं। विकासक ने जो भी काम किया है विश्व स्तरीय किया है, चाहे बिल्डिंग हो या मूलभूत सुविधा। झोपड़पट्टी निवासियों के लिए उच्च स्तर जीवन का श्रेय ओमकार बिल्डर को जरूर जाता है। इसी मुद्दे पर ओमकार बिल्डर के प्रतिनिधि से हमारी टीम ने बात की, उन्होंने क्या कहा आइए सुनते हैं। ओमकार रियलेटर्स एंड डेवलपर्स आज 13 साल से स्लम रीडेवलपमेंट का काम कर रही है और इस क्षेत्र में स्लम रीडेवलपमेंट में अग्रणी है बम्बई में। हम जो है ये कंस्ट्रक्शन जो हमारी एसआरए और हमारी जो सेल बिल्डिंग है उसके दोनों की कंस्ट्रक्शन एक ही कंपनी से करवाते हैं। आप देख सकते हैं तो जिस तरह के हमने डिज़ाइन किए, आज 269 स्क्वायर फीट में हम टू रूम किचन फ्लैट दे रहे हैं। वो बाकायदा पूरी एसआरए की बिल्डिंग से बनाई गई है। डिज़ाइंस बहुत है, 23 माले के टावर्स हैं। आप कहीं पे भी हमारे डेवलपमेंट्स देख लो, आप चाहिए तो वर्ली में हमारे डेवलपमेंट्स हैं, बोईवाड़ा में डेवलपमेंट है, मलाड़ में, काफ़ी जगह पे कर रहे हैं। तो हमने करीबन आज 50,000 लोगों को घर दे दिए हैं। मेरा ये कहना है कि ओमकार जिस तरह से काम कर रहा है वो एकदम ही ट्रांसपेरेंट वे से काम कर रहा है, बेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा काम कर रहा है, बेहतर कंस्ट्रक्शन दे रहा है। बनने के बाद काफ़ी जो झोपड़पट्टी वासी है जिन्होंने ओमकार के साथ विश्वास किया है, हमने उनका विश्वास नहीं तोड़ा, उनका भरोसा हमने कायम रखा है। आपने सुना, बिल्डर की मंशा लाखों लोगों को घर देने की है, बेघर करने की नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, समय 24, मुंबई।